गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम क्लास 11th 12th के साथ डिफेंस की क्लासेज भी स्टार्ट कर रहे हैं वो राजस्थान डिफेंस एकेडमी सुजानगढ़। तो देखिए, हम डिफेंस की अगर बात करते हैं तो डिफेंस में हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप और जो नेवी है उसमें आपको पता है दो ग्रुप, डबल ए और SSR, इनकी क्लासेज स्टार्ट करेंगे। तो जो इन दोनों में जो फिजिक्स है उसका वेटेज कुछ इस प्रकार है, रहा जाता है कि इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी 25 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी दोनों ही पेपर में आपको फिजिक्स से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम बात करते हैं कि जो एयरफोर्स और नेवी दोनों ही ग्रुप में क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस इंक्लूड है। तो पहले तो हम बात करते हैं क्लास 11th की, कि क्लास 11th से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है या किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्लास 11th है उसके सिलेबस को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। जो पहली यूनिट है उसको हमने नाम दिया है मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है यांत्रिकी। और जो यांत्रिकी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो यहां से जो प्रश्नों की संख्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं 10 to 12। यानी प्रश्नों की संख्या 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो मोस्टली यही रहता है, 10 to 12 का रेशियो रहता है कि 10 से 12 क्वेश्चंस। अब देखिए, आपको ज्यादा कुछ सोने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैकेनिक्स केवल एक नाम नहीं है, यह केवल एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर तकरीबन 10 चैप्टर इंक्लूड है। जैसे मैं बात करूं, पहला चैप्टर है इसमें यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है मात्रक एवं विमा। तो यहां से जो मात्रक एवं विमा जो यूनिट है, इससे डेफिनेट एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि आपको एक क्वेश्चन डायमेंशन से तो कंफर्म मिलेगा, और हो सकता है कभी कभार यूनिट से भी मिल जाए, बट डायमेंशन से तो पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा टॉपिक है हमारा वेक्टर एलजेब्रा, जिसको हिंदी में बोला जाता है सदिश बीजगणित। और जो सदिश बीजगणित है यहां से भी आपको एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा वेक्टर एलजेब्रा में। जो मतलब वेक्टर एलजेब्रा जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो वेक्टर जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये जो भी यहाँ पे जो जो मैंने नाम लिए हैं, यहाँ से आपको डेफिनेट एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, जैसे सदिश का जो योग है। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है मोशन, गति बोला जाता है जिसको। ये मोशन है जो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, इसमें दोनों प्रकार की गतियां हैं, तो प्रक्षेप्य गति और वर्तीय गति। यहां से भी डेफिनेट एक या दो नंबर के क्वेश्चंस आपको डेफिनेट यहां से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चौथा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब गति के नियम, यहां से भी आपको एक या दो नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हो जाएगा वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति, यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, प्रत्यास्थता है, घर्षण है, ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इनसे भी गुरुत्वाकर्षण बल से भी एक या दो क्वेश्चन आपको कंफर्म मिल जाएंगे। कभी कभार फ्रिक्शन पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इलास्टिसिटी पे एक क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार जो आपका मैकेनिक्स टॉपिक है इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 चैप्टर इंक्लूड है, और इन सबको मिलाकर जो यहाँ से प्रश्नों की संख्या बनती है वो बनती है 10 से 12। इनमें भी फिक्स है, मैं जैसे जैसे आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वैसे वैसे बता दूंगा कि यहाँ से आपको डेफिनेट एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मैंने कहा है ना कि यूनिट एंड डायमेंशन से डेफिनेट एक क्वेश्चन मिलेगा, तो मिलेगा। मोशन से डेफिनेट आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसी प्रकार जैसे ग्रेविटेशन है, वहां से कंफर्म है कि क्वेश्चन पुटअप होना ही है, वर्क एनर्जी पावर है, तो वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। तो जो क्लास 11th के सिलेबस की जो पहली यूनिट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में इतने चैप्टर इंक्लूड है। अब देखिए, जो हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे क्लास 11th की, जो सेकंड यूनिट होगी वो होगी साउंड।
जिसको हिंदी में बोला जाता है दौनी। और यहां से डेफिनेट आपको एक या दो नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, या तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा या दो क्वेश्चन। और यहां से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा, ये क्वेश्चन क्या होगा, तो यहां आपको पूछा जाएगा दवनी की चाल पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी स्पीड ऑफ साउंड दवनी की चाल के ऊपर आप जो न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो थर्ड जो यूनिट है क्लास 11th की, वो है हीट, जिसको हिंदी में बोला जाता है उष्मा। और यहां से भी जो क्वेश्चनों की संख्या होती है, वो होती है या तो एक या दो, या तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दो। और पूछने का तरीका क्या होगा, पूछने का तरीका ये होगा कि एक क्वेश्चन तो बनेगा टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है थर्मोडाइनेमिक, थर्मोडाइनेमिक्स, जिसको बोला जाता है उष्मा गतिकी, ठीक है। और उष्मा गतिकी में भी क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जैसे जीरोथ लॉ हो गया, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में शून्य नियम या शून्य नियम, इसके अलावा फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और इसके अलावा यहां इंपॉर्टेंट है कार्नो इंजन। तो एक क्वेश्चन तो बनता है टेम्परेचर से, यानी यहां से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, और जो दूसरे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है वो रहती है थर्मोडायनेमिक्स में, या तो जीरोथ लॉ पे कोई क्वेश्चन पूछ ले, फर्स्ट लॉ पे पूछ ले, सेकंड पे पूछ ले, या किस पे पूछ ले, कार्नोट इंजन पे। तो कुल मिला के ये था आपका क्लास 11th का सिलेबस, जो डिफेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहली यूनिट मैकेनिक्स, दूसरी साउंड, और तीसरी इंपॉर्टेंट क्या है, हीट। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की, कि क्लास 12 से कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है। तो देखिए, जो क्लास 12 है उसको भी हमने चार पांच यूनिट्स में डिवाइड किया है। पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी। और आप अभी अभी 12th क्लास पढ़ के आ रहे हो, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें चार चैप्टर है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोला जाता है विद्युत क्षेत्र हिंदी में। सेकंड है गाउस लॉ, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। थर्ड जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। और जो फोर्थ जो टॉपिक है या चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसको बोला जाता है विद्युत धारिता। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो होता है वन या होता है टू, या तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो। अब देखिए, इनमें भी कुछ खासियत है कि जो एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हो सकता है कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए, या अगर मैं यहाँ बात करूं तो फ्लक्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और पोटेंशियल पर कभी कभार सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कि अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई आवेश है, उससे मान लो कि r डिस्टेंस पर कोई दूसरा आवेश है, तो बताइए जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनता है। और जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है धारिता, यहां से डेफिनेट आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वो किस पे मिल सकता है, वो संधारित्र के संयोजन पे मिल सकता है या कैपेसिटेंस पर मिल सकता है, तो यहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है उससे दो, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी ज्यादातर रहती है, जैसे कूलम्ब्स लॉ पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या यहाँ पे आपने जैसे कुछ रिलेशन पढ़े हैं बराबर क्यों ही, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे क्यों और देखिए आपको एफ की वैल्यू पूछी जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, या जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग है, जैसे आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पूछ सकता है, विद्युत विभव में जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से डेफिनेट लगभग एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, और जो बाकी का एक क्वेश्चन है वो इन तीन चैप्टर को कंबाइन करके बनता है। कभी कभार पोटेंशियल पे पूछा जा सकता है, कभी कभार फ्लक्स पे, और कभी कभार किस पे पूछा जा सकता है, कूलम्ब्स लॉ पर। अब देखिए, सेकेंड यूनिट की हम बात करते हैं, जो 12th क्लास की सेकेंड यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट
इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। और आपको पता है इससे भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 1 से 2 है, या तो एक पूछा जा सकता है या दो पूछा जा सकता है। और आपने अभी करंट में ही 12th क्लास पढ़ी है तो आपको पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी दो चैप्टर इंक्लूड करता है, एक तो खुद इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और सेकंड आपको पता हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको बोला जाता है हिंदी में विद्युत परिपथ। अब देखिए यहां पे भी क्या होता है कि या तो करंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो करंट से पूछेगा तो किस पे पूछा जा सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवन वेग पर पूछ सकता है, धारा घनत्व पर पूछ सकता है, ओम के नियम पर पूछ सकता है। इसके अलावा यहां पर आपने एक दो रिलेशन भी पढ़े थे, आई बराबर एन ए वी डी, अब इस फॉर्मूले पे आपको क्या पूछा जा सकता है, एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता है इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का लॉ है। तो आपको पता है किरचॉफ के दो नियम थे, एक तो क्या था संधि नियम था, एक क्या था वोल्ट का नियम था। तो यहां से डेफिनेट एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या तो संधि नियम पे पूछा जा सकता है या किस पे पूछा जा सकता है, वोल्ट का नियम पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें आपने पढ़ा था व्हाइट स्टोन सेतु और उसका आखिरी रिलेशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो हो सकता है आपको तीन प्रतिरोध देके चौथा प्रतिरोध पूछ ले। इसके अलावा मीटर सेतु, तो मीटर सेतु से भी आपने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया था, उसका फॉर्मूला था 100 माइनस L अपॉन L इनटू R। तो यहां से भी आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, L की और R की वैल्यू देके S पूछा जा सकता है, यानी अज्ञात प्रतिरोध पूछा जा सकता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी दो क्वेश्चन पुट अप होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक करंट पे पूछा जा सकता है और दूसरा किस पे पूछा जाएगा, सर्किट पे। तो ये थी सेकेंड यूनिट। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो जो थर्ड यूनिट है वो है ऑप्टिक्स, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रकाशिकी। और यहां से भी जो प्रश्नों की संख्या है वो है 1 से 2। अब आपको पता है ऑप्टिक्स को भी दो भागों में डिवाइड है, एक तो रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो देखिए जो किरण प्रकाशिकी से जो क्वेश्चन है वो तो फॉर्मूला बेस्ड होता है, या फिर तो फॉर्मूलों पे क्वेश्चन बनता है, जैसे F बराबर R बाई 2 है, लेंस मेकर है, जो भी आपने अदर जो फॉर्मूले पढ़े हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है। या अगर मैं बात करूं तो बन सकता है परावर्तन पर, अपवर्तन पर या समतल दर्पण पर, एक क्वेश्चन तो इनसे बन जाता है। और एक क्वेश्चन कभी कभार वेव ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन उठा सकता है, जैसे यंग स्लिट के एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा है, विभेदन क्षमता है, इनसे एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो एक क्वेश्चन तो लगभग चांस रहता है कि आपको फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ ले। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो यंग के द्विस्लिट प्रयोग का जो एक्सपेरिमेंट है, वहां से फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक उत्पन्न करवा समझता व्यंजक, वहां से आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, विभेदन सीमा या विभेदन क्षमता से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह थी थर्ड यूनिट। अब हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, और फोर्थ यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है आधुनिक भौतिकी। और जो आपकी आधुनिक भौतिकी है उसके अंदर भी काफी चैप्टर इंक्लूड है, कौन कौन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी में बात करूं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, सेकंड है एटॉमिक फिजिक्स, परमाणवीय भौतिकी आणविक भौतिकी, थर्ड है न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी, फोर्थ है सेमीकंडक्टर अर्धचालक युक्तियां। तो अब देखिए यहां से भी जो क्वेश्चंस की संख्या होती है वो होती है 1 से 2, या तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या दो नंबर का। तो देखो यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्टली या तो कार्यफलन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फरक फंक्शन कार्यफलन का, क्या मान है, अगर आपको तरंग दे या आवर्ती दे दे तो आपको कार्यफलन निकलवा सकता है। इसके अलावा आइंस्टीन का आपने एक समीकरण पढ़ा था तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके अलावा एटॉमिक फिजिक्स से एक क्वेश्चन, और न्यूक्लियर फिजिक्स से, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में किस प्रकार पूछा जा सकता है, साइज पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पे पूछा जा सकता है,
और सेमीकंडक्टर में मोस्टली पूछा जाता है गेट के ऊपर, एक न्यूमेरिकल या एक क्वेश्चन गेट से पूछा जाता है। तो इसमें क्या रहता है सिस्टम, ये रहता है कि कभी कभार एटम न्यूक्लियस से एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेमीकंडक्टर से आ जाता है, या ऐसा हो जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटम से एक क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चनों की संख्या रहती है 1 से 2। तो ये थी आपकी फोर्थ यूनिट मॉडर्न फिजिक्स। अब हम बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, और फिफ्थ जो यूनिट है, जो आपके सिलेबस का आखिरी यूनिट है, वो है मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म जो चुंबकत्व है, यहां से भी क्वेश्चनों की संख्या 1 से 2 ही रहती है, या तो एक क्वेश्चन आ सकता है या दो क्वेश्चन आ सकता है। और इनका जो मेथड है वो क्या हो, इसमें जो भी आपको पता है अलग अलग पार्ट्स है, जैसे ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है एसी प्रत्यावर्ती धारा, यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो या तो एक क्वेश्चन प्रेरण से बन सकता है या एसी प्रत्यावर्ती धारा से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये है आपका नेवी डबल ए और एसएसआर, उसके साथ ही एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो आपका सिलेबस है, जो 25 क्वेश्चंस है, वो इस प्रकार डिवाइड रहते हैं क्लास 11th और क्लास 12th में। अब मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपको लिख के बता देता हूं। तो नेवी डबल ए और एसएसआर तथा एयरफोर्स एक्स ग्रुप को हमने 2 भागों में बांट लिया, क्लास 11 और क्लास 12। अब क्लास 11 में हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहली यूनिट है मैकेनिक्स यांत्रिकी, सेकेंड यूनिट क्या थी, साउंड, थर्ड यूनिट क्या थी, हीट। क्लास 12 के सिलेबस को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है ऑप्टिक्स, फोर्थ है मॉडर्न फिजिक्स, फिफ्थ है ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स और मैग्नेटिज्म। अब देखिए इनसे जो क्वेश्चनों की संख्या है, मैकेनिक्स से मैंने कितने बताए थे, 10 से 12, साउंड में 1 से 2, हीट में 1 से 2, और यहां सब में 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। तो अगर मैं देखो दो दो मानू, यहां से 2, यहां से 2, तो तकरीबन यहां कितने क्वेश्चन पुट अप हुए, 10 क्वेश्चन, 12 by 14, 15। तो यहाँ कितने क्वेश्चन हुए, 15। तो अब देखिए ये जो रेशियो है, वैसे लगभग रेशियो ये रहता है 60-40, यानी जो आपका 60% वेटेज है वो 11th क्लास का रहता है और 40 क्या रहता है, 12th क्लास का। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ये रेशियो 60-40 रहे, कभी कभार हो सकता है 55-45 भी हो सकता है, या कभी कभार 50-50 भी हो सकता है, बट ज्यादातर वेटेज रहता है 11th क्लास का। तो यहाँ ऐसे मान के चलो कि आपको तकरीबन यहाँ 12 से 14 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यहाँ कितने मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे आपको 10 से 12 क्वेश्चन। तो देख लो ज्यादा वेटेज किसका है, 11th का। थोड़ा सा 11th क्लास को एज मिलता है डिफेंस में, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम सा ही है। ज्यादातर जैसे 60-40 का ही रेशियो रखा जाता है, आपकी जो पेपर सेट होता है वो अकॉर्डिंग टू 60-40 रहता है, बट कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ से ही 15 क्वेश्चन आए, कभी कभार हो सकता है यहाँ से 10 क्वेश्चन आ जाए और यहाँ से 15 क्वेश्चन आ जाए, बट जो क्वेश्चंस का जो तरीका है वो यही रहेगा कि मैकेनिक से 10 से 12। तो अब हो सकता है कभी कभार मैकेनिक से 9 ही क्वेश्चन आ जाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट रहता तरीका यही है कि मैकेनिक से 10 से 12, साउंड में 1 क्वेश्चन, हीट में 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1 या 2, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 से 2 है, जो ऑप्टिक्स है वहां पे भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मॉडर्न में 1 से 2 और मैग्नेटिज्म में 1 से 2। तो अब कल से हम स्टार्ट करेंगे पहली यूनिट मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स का जो पहला टॉपिक होगा या जो पहला चैप्टर होगा वो होगा यूनिट और डायमेंशन। और मैंने आपको क्या कहा है कि यूनिट और डायमेंशन डेफिनेट आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेट आपको हर पेपर में मिल जाएंगे, डिपेंड से रिलेटेड आप जो भी पेपर दोगे वहां पे आपको यूनिट या डायमेंशन से 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।